हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये नोटिफिकेशन एचएसएससी की तरफ से है। जैसा कि आप जानते हो, ग्रुप सी की जो वैकेंसी हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं और उनके जो एग्जाम्स हैं वो 21 जून से 21 जुलाई तक होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो एचएसएससी ग्रुप डी की वैकेंसी निकालने वाला है और इनके जो लिए आवेदन हम कर सकते हैं, वो पोर्टल इस सप्ताह में आपका खुल जाएगा। मीन्स 7 जून तक ये जो पोर्टल है ये खुल जाएगा। फिर जो 10वीं पास युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है ग्रुप डी के लिए। हरियाणा में जो वैकेंसी निकलने वाली है ग्रुप डी की, कम से कम 10 से 12 हजार वैकेंसी हैं और इनके लिए जो आवेदन है वो इस सप्ताह में खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या न्यूज है। तो प्रदेश में, यहाँ पर देख सकते हो, प्रदेश में ग्रुप डी के लिए अगस्त या सितंबर में सीईटी होगा। यानी कि अब जो सीईटी होने वाला है वो ग्रुप डी के लिए अगस्त या सितंबर में होगा और इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं हम वो अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हाल ही में 10वीं 12वीं पास युवा करने वालों को भी मौका मिलेगा। इसका मतलब है सीईटी के जो आवेदन है पहले भी हो चुके थे, लेकिन फ्रेश फ्रेश हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 10th और 12th पास की है। और जो ये पोर्टल है ये एचएसएससी की तरफ से इस सप्ताह में खोल दिया जाएगा और जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस अब की बार उन युवाओं को भी राहत दी है जो, मतलब जिनके रजिस्ट्रेशन में पहले कोई गलती थी, अब वो उन गलतियों को भी सुधार सकते हैं। और जो जिन कैंडिडेट्स ने कोई भी फॉर्म नहीं भरा था पहले, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रुप डी के जो वैकेंसी हैं वो अगर आप फिल करना चाहते हो तो इनके जो लिए जो आवेदन है हम इस सप्ताह में ये पोर्टल खुल जाएगा। इनका जो एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखें और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।